हेलो अरुण, कैसे हो आप सब। आप सभी का मेरे एक नए वीडियो पर स्वागत है। और गाइस, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं जो है यहाँ पर वॉकिंग कर रहा हूँ, ठीक है। सुबह का समय है, अभी लगभग 5 बज रहा है और मैं वॉकिंग के लिए आया हूँ। और गाइस, आप लोग सोच रहे हो कि मैं वॉकिंग का जो वीडियो है वो क्यों दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस, मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये अभी आपको बताएँगे, लेकिन उससे पहले जो व्यू है ना, जो नज़ारा है वो आपको हम दिखाते हैं कि जहाँ हम रहते हैं जंगल के बीच में, वहाँ का जो सुबह का नज़ारा है वो किस तरह का होता है। और गाइस, अभी जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम है, मस्त एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, ठीक है। और चलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये आपको दिखाते हैं अभी यहाँ का व्यू, आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पर कितना ज़्यादा मतलब कि जंगल है। सिर्फ यहाँ पर क्या है, हरियाली ही हरियाली है। मतलब पहाड़ के बीच में रहने का एक अलग ही मज़ा है, ठीक है। माना कि यहाँ पर ये मतलब कि ट्रांसपोर्ट वगैरह का सुविधा उतना नहीं है, मतलब फैसिलिटी वहाँ इतना नहीं है जंगल में, लेकिन गाइस आप लोग अगर मतलब जंगल के बीचों बीच अगर रहते हो ना, तो वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि जंगल के बीच जो सुबह का मौसम होता है ना, कितना शानदार होता है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि मेरे जो पीछे का जो नज़ारा है वो कितना मतलब ज़बरदस्त है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि मतलब कि यहाँ पे ये गाइस, जैसे कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर वगैरह में रहता है ना, बस यहाँ बर्फ़ नहीं गिर रहा, नहीं तो ये जो जगह है ना वो उससे भी फेल कर देगा। ये आप देखो कितना मस्त मतलब जगह है, देखो व्यू देखो। ये तो मेरा कैमरा उतना मतलब ढंग का नहीं है कि मोबाइल का कैमरा से, लेकिन अगर हम DSLR मतलब एक बढ़िया कैमरा से अगर यहाँ पर फोटोग्राफी या फिर वीडियो शूट करेंगे ना, तो ज़बरदस्त वीडियो बनेगा, ठीक है। अब गाइस आपको बताते हैं कि मैं जो हूँ मतलब कि वॉकिंग का सुबह का वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ठीक है। आप सभी को मतलब कि जैसे कि पता होगा अभी जो है क्या चल रहा है, सावन चल रहा है, ठीक है। मतलब लोग जो है खाली पांव बोलबम जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, देवघर में जाके वहाँ पे जल चढ़ाते हैं और बाबा का महादेव जी का आशीर्वाद लेते हैं। और गाइस, जो सुल्तानगंज से जल उठा के चलते हैं ना, तो वो पैदल चलना पड़ता है, ठीक है। पैदल चलना पड़ता है, वो भी चप्पल पहन के हम नहीं चल सकते, खाली पांव हमें चलना पड़ता है और हमें लगभग 100+ किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि मतलब कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि पैदल चलना। आजकल के समय में गाइज़ हम लोग जो है पैदल मतलब कि बिल्कुल भी नहीं चलते, इसलिए गाइज़ मैं भी नहीं चलता, क्योंकि पैदल हर समय चलना बाकी समय ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अभी जो है जैसे कि मैं पैदल आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो है चप्पल नहीं पहना, ये देखो, ये आप लोग देख रहे हो कि मैं जो हूँ पूरा खाली पाँव, ठीक है। और खाली पाँव इस रोड में चल रहा हूँ। और खाली पाँव चलने का मतलब कि फ़ायदा क्या है कि आप लोग जो आपका जो पाँव है ना, वो क्या होता है, चप्पल पहन के दिन भर घर में चलने से क्या होता है, नरम हो जाता है। और अभी जो है जैसे कि मैं खाली पाँव चल रहा हूँ, तो खाली पाँव जब चलूँगा ना, तो पाँव का जो नीचे का जो परत होता है, जो चमड़ी होता है ना, वो मतलब कि थोड़ा हार्ड हो जाता है, जिसके कारण जब हम 100+ किलोमीटर चलते हैं, वैसे तो हम एक दिन में लगातार कंटिन्यू नहीं चलते, मतलब उससे मतलब एक दिन में 15-20 किलोमीटर इस हिसाब से हम चलते हैं कि मतलब कि हमारा जो पाँव है उतना भी डैमेज ना हो और आराम से चलते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं रहता। क्योंकि गाइज सावन 1 महीने लगभग रहता है, तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा समय रहता है कि आप आराम से मतलब कि जा सकते हो, कोई हड़बड़ी नहीं है, तो हम लोग आराम से चलते हैं। लेकिन गाइज खाली पाँव चलते हैं, क्योंकि इतना प्रैक्टिस के बाद भी ना आपका जो पाँव है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि डैमेज हो जाता है। खैर, अभी तो मतलब कि जो सर राज्य मतलब कि लेवल पे, स्टेट लेवल पे या फिर अलग अलग जहाँ जिस जगह से हम लोग जाते हैं, वहाँ का जो सरकार है बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, रोड पे बालू बिछा देती है, ठीक है। रोड अभी अच्छा हो गया है, लेकिन गाइस पहले होता था ना, पहले मतलब बहुत ही बुरा हाल था। लोग जब चलते थे ना, पाँव के नीचे जो है छाला पड़ जाता था, छाला। और गाइस आप लोग सोच सकते हो कि मतलब छाला जब पाँव के नीचे आ जाता तो चलना कितना मुश्किल हो जाएगा, और रोड जब ख़राब रहेगा। अभी तो गाइस बालू बिछ जाता है, रोड भी बहुत ही अच्छा रहता है, जिसके कारण चलने में बहुत ही मतलब मज़ा आता है, दिक्कत उतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन गाइज सच बताएं तो 100+ किलोमीटर आप सोच के देखना कि आप क्या पैदल चल पाओगे। गाइज इसीलिए गाइज मैं अभी आज का वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मैं आज का वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ कि आप लोगों को दिख जाए कि मैं खाली पाँव किस लिए चल रहा हूँ, सुबह का वीडियो वॉकिंग का क्यों बना रहा हूँ। तो गाइज आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कैसा लगा वीडियो बता देना कमेंट में। और गाइज आप लोग भी क्या देवघर जा रहे हो गाइज कमेंट करके बता देना, ठीक है। क्या आपके यहाँ से कोई जाता होगा तो वही बता देना, या आप लोग गए हो तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर देना कमेंट में। मिलते हैं और एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।